दोस्तों, क्या आपके काफ मसल्स या जांघों में दर्द हो रहा है? क्या आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं? आप रेगुलरली वॉकिंग या रनिंग करते हैं? तो आपको टेनिस लेग नाम की ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्या होती है टेनिस लेग, इसे कैसे प्रिवेंट करें और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट होता है, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, टेनिस एल्बो के बारे में तो आपने काफी ज्यादा सुना होगा। सचिन तेंदुलकर को हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा कैसे सचिन तेंदुलकर एक अपने हाथ के ऊपर बैंड बांध के बैटिंग कर रहे हैं, और उस समय हमको पता लगा था कि टेनिस एल्बो क्या चीज होती है। परंतु आज मैं आपको टेनिस लेग के बारे में बताऊंगा, जो कि इक्वली कॉमन है टेनिस एल्बो जैसे, जो कि स्पोर्ट्स पर्सन में अक्सर होती है। यदि आप टेनिस खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, परंतु आप रेगुलर वॉकिंग भी करते हैं या सख्त सतह पे रनिंग करते हैं या स्प्रिंटिंग कर सकते हैं या जॉगिंग कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी टेनिस लेग काफी ज्यादा कॉमन है। टेनिस लेग की अगर हम बात करें तो उसके अंदर मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोग्नेमियस, यानी काफ का एक इंपॉर्टेंट मसल होता है गैस्ट्रोग्नेमियस और सोलियस। उसमें से गैस्ट्रोग्नेमियस का अंदरूनी हेड यानी मीडियल हेड की तरफ अगर स्प्रेन आ जाए या पार्शियल टियर हो जाए या कंप्लीट टियर हो जाए, तो बहुत तीव्र दर्द आपके काफ मसल के अंदर होता है, जो कि धीरे धीरे रेडिएट होकर आपकी एडी की तरफ भी जा सकता है। टेनिस लेग एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है यदि आप प्रॉपर वार्म अप नहीं करते हैं, प्रॉपर लिम्बरिंग डाउन या कूल डाउन नहीं करते हैं एक्सरसाइज के बाद, और इन काफ मसल्स को प्रॉपरली स्ट्रेच नहीं करते अपनी एक्सरसाइज या कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी करने से पहले। टेनिस लेग के अगर सिम्टम्स की बात करें तो काफ मसल के ऊपर बहुत तीव्र दर्द होता है, साथ में सूजन या लालिमा भी हो सकती है। अगर आपको एक्यूट इंजरी हुई है तो कुछ पेशेंट्स हमको आके बोलते हैं कि हमको ऐसा लगा कि एकदम से स्नैप हो गया हमारा पांव और हम उस टांग के ऊपर बिल्कुल भी वजन नहीं रख पा रहे। अगर हम अपने पांव को नीचे की तरफ लेके जाएंगे और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, यानी एडी को अगर हम चलाएंगे, तो हम टेनिस लेग का पेन एग्रेवेट होते हुए भी देख सकते हैं। ये क्लिनिकल टेस्ट है जो टेनिस लेग हमको बताता है कि हुआ है। अगर जांचों की बात करें तो एक्सरे कराने से टेनिस लेग के अंदर आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि ये मस्कुलर प्रॉब्लम है। एक्सरे में सिर्फ हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का पता लगता है। इसके लिए एक अल्ट्रासाउंड कराना या एमआरआई कराना जरूरी होता है। अल्ट्रासाउंड या एमआरआई आपको बता देगा कि आपका टेनिस लेग स्प्रेन की वजह से हुआ है, पार्शियल टियर की वजह से हुआ है या कंप्लीट टियर की वजह से हुआ है। 90-95% केसेस एक पार्शियल टियर या स्प्रेन होते हैं, जो कि बिना सर्जरी के ट्रीट हो सकते हैं। यदि आपको एक्यूट इंजरी हुई है तो आपको प्राइस रेजिमेंट फॉलो करना है, यानी पी फॉर प्रोटेक्शन। आपको जितना हो सके अपने उस इंजरी एरिया को प्रोटेक्ट करके चलना है और ज्यादा इंजरी नहीं होने देनी है। आर का मतलब होता है रेस्ट, आपको कुछ दिन के लिए रेस्ट लेना है। आई का मतलब होता है आइसिंग देना, यानी बर्फ का सेक देना होता है ताकि इन्फ्लेमेशन या जलन कम हो, सूजन कम हो उस एरिया में। सी मतलब होता है कंप्रेशन, आपको उस एरिया को कंप्रेसिव बैंडेज या क्रीप बैंडेज से कंप्रेस करके रखना है ताकि उस एरिया में सूजन ना हो। और ई का मतलब होता है एलिवेशन, यानी जिस लिम में या जिस टांग में चोट लगी उसको एलिवेट करके रखना है, पाँव झुला के नहीं बैठना, और लेटे समय उसके नीचे 2 से 3 तकिए रखने हैं। यदि इंजरी क्रॉनिक हो गई है तो कुछ दवाइयों से उस इंजरी को ट्रीट किया जा सकता है। उन दवाइयों में कोलेजन पेप्टाइड की जो दवाइयां होती है वो काफी उपयोगी होती है, उसके साथ साथ एंटी इंफ्लेमेटरी ट्रिप्सिन ब्रोमेलिन ब्यूटोसाइड इत्यादि दवाइयां भी आप दे सकते हैं। कैल्शियम विटामिन डी भी यूज करना चाहिए ऐसे पेशेंट्स के अंदर। उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइज होती है, पीएमएफ थेरेपी होती है, अल्ट्रासोनिक थेरेपी का काफी अच्छा रोल होता है उसके अंदर, लेजर थेरेपी काफी यूजफुल होती है। और कुछ पेशेंट्स के अंदर जिसके अंदर ये पेन जिद्दी हो जाता है या उनके अंदर पार्शियल टियर है, तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के इंजेक्शन, यानी आप ही के खून को लेकर उसको सेंट्रीफ्यूज करके उससे जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनता है उसका इंजेक्शन देने से वहां पे ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं और वो ग्रोथ फैक्टर्स टिश्यू को रीजेनरेट करते हैं और धीरे धीरे उस पेशेंट को हम स्पोर्टिंग एक्टिविटी दोबारा शुरू कराते हैं। परंतु यदि आप स्पोर्टिंग एक्टिविटीज करते हैं तो प्रॉपर वार्म अप करना बिल्कुल ना भूलें, प्रॉपर कूल डाउन कीजिए, प्रॉपर स्ट्रेचिंग करके ही स्पोर्टिंग एक्टिविटी में इंडल्ज कीजिए। और उन स्पोर्ट्स के दौरान या अगर आप रेगुलरली करते हैं तो अपना वाटर कंटेंट अच्छा रखें, प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहें, प्रोटीन्स अच्छे से लेते रहें अपनी डाइट में, विटामिन ई अच्छे से लेते रहें डाइट। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। टेनिस लेग से रिलेटेड जानना बहुत जरूरी है हमको। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे और जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। थैंक यू।